मैं हूं आपका दोस्त अम्बर तिवारी और ये रात 8:30 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को लाइव मिल रही है, जिसमें हम आप सभी के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं यूपीएससी पीएफओ के लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। तो यदि सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं तो एक बार मुझे लाइव चैट के थ्रू जल्दी से नोटिफाई करें सो दैट हम हमारी आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे। यदि ऑडियो वीडियो सभी कुछ क्लियर है तो एक बार मुझे जल्दी से लाइव चैट के थ्रू सभी बच्चे जो हैं वो नोटिफाई करें प्लीज़। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। हेलो मोहिनी विधवा, न्यू स्टूडेंट, वेलकम ऑन नॉलेज स्काई चैनल। वेरी गुड इवनिंग अनु, वेरी गुड इवनिंग संगीता, राजन कुमार, सोनू जैन, वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो वंस अगेन गुड इवनिंग मोहनी विधवा जी, शिवांगी दुबे जी, रोहित कटारा जी, चलिए अंकिता गुप्ता। चलिए तो अब आप सभी को बताएं बच्चों इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपके टारगेट की, जैसा कि हम डेली करते हैं। आप सभी को पता है ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, वेरी गुड, थैंक यू राजन फॉर द क्लैरिफिकेशन बेटा। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ 5 सितंबर की, द बिग डे है ना, 5 सितंबर द बिग डे। उससे पहले सारे इंडियंस को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप सभी ने मतलब एक गोल्ड लाया इंडिया के पास, है ना, काफ़ी टाइम बाद जो है एक गोल्ड लाया है, सो दैट्स रियली गुड थिंग फॉर द कंट्री। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग निशा जी, वेरी गुड इवनिंग सुप्रिया। ठीक है तो 5 सितंबर को आप सभी को पता है कि इम्पॉर्टेंट डे है आप सभी के लिए, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। 5 सितंबर को इम्पॉर्टेंट डे क्या है भाई आप सभी के लिए, आपका EPFO का पेपर फाइनली होने जा रहा है, आपका EPFO का पेपर फाइनली होने जा रहा है। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि अब कुछ चीज़ें जो है वो हमें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसी सीरीज़ में हम आपके लिए जो ये न्यू कोर्स लॉन्च किए, इसमें अब से कल से आपकी जो है एक्ट स्पेशल क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। कौन सी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं? एक्ट स्पेशल क्लासेस आपकी जो है वो शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, एक्ट स्पेशल क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और हम एक्ट्स को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सारे के सारे एक्ट को। मेरा टारगेट होगा कि डेली 3 एक्ट मैं आपको कराऊं और करीब 10 क्लासेस में 30 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट मैं आपको शॉर्ट एंड समराइज वे में यहाँ पर कराने वाला हूँ। कुछ एक्ट जो होंगे वो हम PDF के माध्यम से पढ़ेंगे, कुछ एक्ट जो होंगे वो हम किसके माध्यम से पढ़ेंगे, PDF के माध्यम से पढ़ेंगे, और कुछ एक्ट जो होंगे PPTs के माध्यम से पढ़ेंगे, कुछ एक्ट जो होंगे वो मैं रिटर्न आपको कराऊँगा सभी पैरा बच्चों को। ठीक है, आई होप सभी लोग बिल्कुल रेडी हैं इस एक्ट के लिए। मुझे ज़रा एक बार बता दीजिए लाइव चैट के थ्रू इफ़ यू ऑल आर रेडी, तो मैं यहाँ पर क्लास को जो है वो स्टार्ट करता हूँ फटाक से। हम जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि कवर बहुत सारी चीज़ें बेटा हमें करनी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें कवर अप करनी है यहाँ पर और उनके लिए हमें काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। आई होप सभी लोग बिल्कुल रेडी होंगे। चलिए ऑडियो वीडियो भी मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होगा। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हम क्लास को हमारी, फिर वीडियो को सभी एक बार लाइक ज़रूर कर दें। देखिए तो अब देखिए जी जान लगा के आप सभी को पढ़ देना है, साथ में एक गुड न्यूज़ भी मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा। गुड न्यूज़ क्या मतलब, एक क्लास रूटीन है आपका एक्चुअली बेसिकली। कल संडे को आपको एक ग्रांड मैराथन क्लास जो है वो मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ सुबह 10 बजे से। 10 AM मॉर्निंग में आपको एक क्लास मिलने वाली है, इकोनॉमिक की क्लास है, इकोनॉमिक की क्लास है जिसमें हम आपके साथ मैराथन MCQ क्लास है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ वहाँ पर हम हो सकेंगे हम करने की कोशिश करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ हो सकेंगे हम उस क्लास में करने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, इस चीज़ से सभी लोग अवेयर हो जाएं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQs होंगे वो मैं उस क्लास में आप सभी के लिए कराने की कोशिश करूँगा। और ये एक MCQ बेस्ड क्लास होगी कि हम फटाफट से बहुत सारे MCQ करेंगे, टॉपिक वाइज जो है वो MCQ वहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, टेस्ट वेस्ट शाम को होगा बेटा, कल टेस्ट भी होगा, परेशान नहीं होना है, कल टेस्ट भी होगा, क्लियर, कल आपका टेस्ट भी होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी क्लास है। आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट को। किस एक्ट को हम देखने वाले हैं? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट को।
किसको? एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, जो कि 1923 में आया था। कब आया था? 1923 में ये एक्ट आया था। बहुत आराम से, बहुत प्यार से पढ़ते जाना और समझते जाना है, ठीक है? किसी भी तरह के कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना है, ठीक है? इस एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट को वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट को वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के नेम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई भी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि किसी को भी कंफ्यूज होने की नौबत जो है वो नहीं लाऊं, ठीक है? तो बेसिकली वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, क्या होता है? देखिए, जब हम बात करते हैं वर्किंग कंडीशंस की, तो कुछ केसेस हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई भी एक्स लेबर है जो वर्किंग में काम कर रहा है, तो ड्यूरिंग वर्क टाइम यदि किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे पार्शियल या परमानेंट डिसेबलमेंट आता है ना, किसी भी ड्यूरिंग वर्क एक कंपनी में काम चल रहा है, तो उस काम के समय किसी भी तरह का पार्शियल मतलब आंशिक रूप से, या फिर परमानेंट मतलब पूर्णकालिक, यदि किसी भी तरह का डिसेबलमेंट आता है। डिसेबलमेंट का मतलब क्या है? मान लीजिए काम करते करते किसी व्यक्ति को कोई चोट लग गई जिससे वो फ्रैक्चर हो गया, तो ये पार्शियल डिसेबलमेंट है। क्यों? क्योंकि कुछ समय के लिए वो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन परमानेंट डिसेबलमेंट क्या होता है कि मान लीजिए हाथ कट जाए या पैर कट जाए या कुछ ऐसी इंजरी हो जाए जिसकी वजह से वो काम ही ना कर पाए, तो परमानेंट डिसेबलमेंट आ जाए, या फिर उसकी डेथ हो जाए, ठीक है? तो इन तीनों ही परिस्थितियों में उससे संलग्न परिवार, उससे कनेक्टेड जो फैमिली होंगी, उसके जो डिपेंडेंसीज होंगे, ठीक है, उनका पालन पोषण कैसे होगा, इस चीज को ध्यान में रखते हुए वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट बनाया गया है। होल सोल में हम इसे बोल सकते हैं कि वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि वर्कर को वर्क प्लेस पर किसी भी तरह के परमानेंट या टेम्परेरी डिसेबलमेंट या फिर डेथ की वजह से होने वाले लॉस को, और उसके बाद उसके और उसके परिवार के भरण पोषण के लिए, लाइवलीहुड के लिए जो एक तरह से गारंटी प्रोवाइड करता है, ये वर्कर्स कॉम्पनसेशन एक्ट जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है? वर्कर्स कॉम्पनसेशन एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, आपको याद रखना होगा। क्या ये चीज़ समझ आई आपको? सिंपल सी चीज़ सबसे पहले हमने समझने की कोशिश करी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन सारे अमेंडमेंट को भी डिस्कस करेंगे। बहुत आराम से आप लोग पढ़ते जाइए, फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, 5 स्टार लगा लीजिए। एक ESI स्कीम होती है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट भी होता है, ये आपने पढ़ा है ना। तो यदि ESI लगा है तो आपको याद रखना होगा कि वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट नहीं लगेगा। याद रखना, जहां पर ESI एक्ट लगता है वहां पर वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट नहीं लगता, और जहां पर वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट लगता है वहां पर ESI एक्ट नहीं लगता। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी बहुत अच्छे से, ठीक है? एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में चिल्ला के चीज़ को बोलो कि ESI जहां पर लगेगा वहां पर WCA, ESI मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जहां पर होगा, मतलब एक टाइम पर आप या तो ESI के बेनिफिट ले सकते हैं या फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के बेनिफिट ले सकती है। ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है? ये चीज़ आपको समझनी होगी, बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है? तो अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है आपको, क्या ये चीज़ सभी बच्चों को समझ आएगी? जरा मुझे एक बार कन्फर्म कर दो और वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। क्लियर नहीं है? ओके, मेरे हिसाब से बेटा इसमें कंफ्यूज होने का कुछ नहीं था। दिमाग की देखिए, दो स्कीम है आपके पास, एक तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है, एक बार वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट की स्कीम है। एक समय पे आप या तो ESI के बेनिफिट ले सकते हैं या फिर वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट के बेनिफिट ले सकते हैं। दोनों के जो बेनिफिट हैं आप वो नहीं ले सकते, और ये चीज़ किस में लिखी है आप इसे याद रखेंगे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के
सेक्शन 53 में ये चीज़ लिखी हुई है, सेक्शन 53 में सेक्शन पूछा जा सकता है। देखिए बेटा, मैं यहाँ पर आपको प्राइम फैक्ट बताने वाला हूँ, वही एग्जाम में आते हैं। कई सारे बच्चे अब लास्ट टाइम पे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, भटकना बंद कर दो बेटा। पूरे 1.5 साल आपको बहुत प्यार से पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसी पर फोकस करो, यहाँ वहाँ भटकोगे परेशान होगे, ठीक है। चलिए, फैक्ट बेस्ड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको पढ़ के जाना, नहीं पढ़ के जाओगे तो बहुत पछताओगे, मुझसे मत बोलना बेटा दोबारा, ठीक है। तो ईएसआई एक्ट लगेगा या वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट लगेगा, थोड़ा थोड़ा फास्ट चलेंगे बेटा। और हम चलिए आगे की बात करते हैं, समझिए जरा। आगे एक और चीज याद रखना है कि वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट किन किन केसों में लगता है। इन केस ऑफ डेथ, मतलब यदि काम करते समय किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923 में आया था, 1923 के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। नोट करते जाएंगे, मैं बार बार नहीं बोलूंगा बेटा। सेकंड है, यदि टेम्परेरी डिसेबलमेंट आती है, टेम्परेरी डिसेबलमेंट आती है मतलब भाई काम करते समय हाथ किसी को फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ चोट लग जाती है या किसी वजह से कोई काम नहीं कर पा रहा है, इन दैट केस ओनली, ठीक है। और या फिर परमानेंट डिसेबलमेंट के केस में, परमानेंट डिसेबलमेंट के केस में, ठीक है, डिसेबलमेंट के केस में, क्लियर। ये चीज़ें और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगा, जो कि इसमें अमेंडमेंट की बात आया था कि ऑक्यूपेशनल डिसीजेज है ना, ऑक्यूपेशनल डिसीजेज, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ठीक है। ऑक्यूपेशनल डिसीजेस क्या होते हैं, मान लीजिए कोई टोबैको फैक्ट्री में काम करता है, तंबाकू की फैक्ट्री में काम करता है, तो तंबाकू से होने वाले रोग से हो सकते हैं। कोई माइन में काम करता है तो माइन से रिलेटेड रोग से हो सकते हैं। तो जो ऑक्यूपेशनल डिसीज आते हैं वो भी इसमें कवर होते हैं। नोट कर लिया, बोलो हाँ, जल्दी जल्दी फटाफट से भरना है क्योंकि आगे बेटा। ठीक है, सभी को समझ आ गया। कल संडे को मैं हर स्लाइड में बताता जाऊंगा, कल संडे को 10 बजे से आपकी बहुत स्पेशल क्लास है, इकोनॉमी की मैराथन क्लास है आपकी, इकोनॉमी एमसीक्यू की मैराथन क्लास है आपकी। कल कम से कम 2 से 3 टॉपिक के मैराथन एमसीक्यू हम यहाँ पर करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, कोई नहीं छोड़ेगा, अवेयर हो जाए सभी लोग, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ तक चीज़ें सभी को मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी, प्रीएम्बल मैं बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस एक्ट के बारे में। अभी तक वीडियो ऑडियो क्लियर चल रहा है सभी को? देखिए, इस एक्ट का नाम रखा गया है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, जो कि 1923 में आया था। इसका एक्सटेंड पूरी कंट्री में है और ये 1 जुलाई 1924 से लागू हुआ था। अब ये कन्फ्यूजन वाला है, जनरली ज़्यादातर एक्ट में हमने क्या देखा है कि जिस जो ईयर लिखा होता है उसी ईयर में वो आया होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। ये एक दिसंबर में पास हुआ था और 1 जुलाई में लगभग इम्प्लीमेंट हुआ था पूरी कंट्री में। तो ये आपको याद रखनी है कुछ चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस की हमें समझना ज़रूरी है, कुछ डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में कमिश्नर की डेफिनेशन है सबसे पहले। तो जो कमिश्नर है वो अंडर सेक्शन 20 डिफाइन कराया गया है। कमिश्नर क्या होगा भाई, कमिश्नर वो एक हायर अथॉरिटी होगी जो सारे के सारे केसेस को होल सोल्ली होल सम्बली जो है पास या फेल करेगा। कंपनसेशन क्या होता है भाई, कंपनसेशन क्या होता है, कंपनसेशन एक सम ऑफ अमाउंट होगा, एक राशि होगी जो उस व्यक्ति को दी जाएगी जो सफ़र कर रहा होगा, जो किसी भी तरह की दुर्घटना से लड़ रहा होगा, जूझ रहा होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्लियर है, किसी को डाउट है तो बता देंगे। याद रखना है डिसेबलमेंट की डेफिनेशन, डिसेबलमेंट की डेफिनेशन जो दी गई है, डिसेबलमेंट की डेफिनेशन जो दी गई है वो सेक्शन 1 में दी गई है, सॉरी शेड्यूल 1 में दी गई है, शेड्यूल 1 में दी गई है। नोट कर लें इसको, डिसेबलमेंट की डेफिनेशन शेड्यूल 1 में दी गई बेटा। जो फैक्ट बता रहा हूँ नोट करते चलो, एग्जाम में यही आते एक्ट से। मैं खोद के ये सारी चीज़ें निकाल के लाया हूँ ताकि आप लोगों को लंबे चौड़े चौड़े एक्ट ना पढ़ना पड़े, और उसके बाद भी आप लोग पढ़ना चाहते तो आपकी मर्जी है बेटा, है ना। चलिए, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर डिपेंडेंट की हम बात कर लेते हैं। तो डिपेंडेंट कौन होता है भाई,
भाई ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है प्यारे बच्चों, बड़े प्यार से समझना, डिपेंडेंट पर क्वेश्चन आ चुका है, नोट भी कर लेंगे, मैं इसे जूम करके समझा देता हूँ। डिपेंडेंट में कौन है? अ विडो, अ माइनर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन, एन अनमैरिड लेजिटिमेट और अडॉप्टेड डॉटर, या फिर विडोअर्ड मदर। कौन कौन है भाई? एक विधवा मान लीजिए जिसकी यदि कोई व्यक्ति है वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो पत्नी होगी विधवा वो डिपेंडेंट कहलाएगी। अ माइनर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन मतलब कोई बच्चा है जो 18 साल से कम उम्र का है तो उसे माइनर कहते हैं, तो वो, या फिर अनमैरिड लेजिटिमेट और अडॉप्टेड डॉटर। यदि अनमैरिड बेटी है कोई, मतलब यदि बेटी की शादी हो गई है तो वो डिपेंडेंट में नहीं आएगी। क्वेश्चन यहाँ पर फंसा सकते हैं और यहीं से चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है। और विडोअर मदर यदि उसकी माँ है जो विडो हैं जिनके पति नहीं हैं तो वो। केस समझना बच्चों अच्छे से। यदि एक व्यक्ति है तो कौन कौन आएगा समझ लीजिए, एक व्यक्ति जिसकी डेथ हो जाती है तो डिपेंडेंट कौन कौन आएंगे। हम डिपेंडेंट क्यों पढ़ रहे हैं? जिनको कंपनसेशन का पैसा मिलेगा, क्योंकि जो व्यक्ति है वो तो चला गया भाई, कंपनसेशन का पैसा तो उसके परिवार को मिलेगा ना, तो परिवार में भी उसे मिलेगा जो डिपेंडेंट होंगे। अब डिपेंडेंट कौन हो सकते हैं भाई? उसकी वाइफ जो कि विडो है अब, ठीक है ना, उसका सन, उसकी डॉटर, ठीक है। सन कैसा होना चाहिए? माइनर होना चाहिए, है ना, माइनर मतलब 18 साल से कम होना चाहिए। डॉटर कैसी होनी चाहिए? अनमैरिड होनी चाहिए, अनमैरिड होनी चाहिए। और मदर, विडो मदर, विडोअर मदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, इतने लोग डिपेंडेंट होंगे। थ्योरी पे मत जाइए, जिस तरह से लिखवा रहे उस तरह से लिखते जाइए, काम बन जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वाइफ आएगी, उसका बेटा आएगा जो कि माइनर होना चाहिए, डॉटर आएगी जो कि अनमैरिड होनी चाहिए, और मदर आएंगी जो कि विडो होनी चाहिए। इतने लोग जो हैं वो डिपेंडेंट कहलाएंगे। बोलो समझ आ गया? स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। बिल्कुल, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है बेटा ड्यू टू नेटवर्क ड्यू टू रेन, बट थोड़ा सा मैनेज आप सभी प्यारे बच्चों को करके चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, रेन यहाँ पर भी काफ़ी हो रही है इसलिए मैं क्लास के साथ चाय पी रहा हूँ। आई होप आप सभी लोगों को आवाज़ से इरिटेशन नहीं हो रहा होगा। चलिए, एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आता है ना, एम्प्लॉयर लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन। अब एम्प्लॉयर की कंपनसेशन के लिए लाइबिलिटी कहाँ कहाँ पर बनती है ज़रा समझ लीजिए, बड़े प्यार से बड़े आराम से समझेंगे इसे, ठीक है। चलिए, पहला केस क्या है? इफ पर्सनल इंजरी इज कॉज्ड टू अ एम्प्लॉय बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, हिज एम्प्लॉयड शैल बी लायबल टू पे कंपनसेशन इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। समझिए जरा इस चीज को, क्या होता है भाई? कोई भी पर्सनल इंजरी होती है आपके परमाइसिस में, मतलब जिस जगह पर आप काम करो उस जगह के परमाइसिस में यदि इंजरी होती है तो उसमें कौन कौन से केसेस में जो है एम्प्लॉयर की लायबिलिटी बनती है कि वो कंपनसेशन देगा। मतलब हम सिंपल सी बात ये देखने वाले कि कहां कहां पर आपका जो कंपनी है, आपका जो मालिक है, उसका उत्तरदायित्व बनता है कि आपको कंपनसेशन देना है, ठीक है। कहां कहां पर बनता है? इन रिस्पेक्ट टू एनी इंजरी विच डज नॉट रिजल्ट इन द टोटल पार्शल डिसेबलमेंट ऑफ द एम्प्लॉय फॉर पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 3 डेज, ठीक है। मतलब यदि 3 दिन से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति ऑफिस नहीं आ पा रहा है किसी एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से, ऑफिस परमाइसिस में हुई घटना की वजह से, तो उसके लिए कंपनसेशन देने के लिए बाध्य होगी कंपनी, या फिर उसकी किसी भी तरह से डेथ हो जाती है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट या उसकी डेथ हो जाती है, तो वो केस, ठीक है। क्लियर, ये आपको याद रखना होगा। और एम्प्लॉय कहाँ कहाँ पर भी ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये भी याद रखना होगा कि एम्प्लॉय को कहाँ कहाँ पर जो है लायबल नहीं होगा। यदि लेस देन 3 डेज है तो वो लायबिलिटी नहीं होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लायबिलिटी नहीं बनेगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से। क्लियर, ओके। आगे बात करते हैं चीज़ों की, बहुत प्यार से बहुत आराम से समझना है। यदि
जो एम्प्लॉय है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, यदि उसने खैर ये हम आगे बताऊंगा, मैं अभी सबसे पहले हम अमाउंट समझते हैं, अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन क्या होता है समझिए। ठीक है, आपको ये समझनी होगी। तो इन केस ऑफ डेथ एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ द मंथली वेज ऑफ द एम्प्लॉय मल्टीप्लाइड बाय द रेलेवेंट फैक्टर और एन अमाउंट ऑफ 1,20,000 विच एवर इज मोर। अब आपको समझना होगा भाई, अब ये चीज़ आपको समझनी होगी। पहले ये 50,000 था, फिर उसे बढ़ाकर 1,50,000 कर दिया गया, याद रखना। पहले कितना था? 50,000 था, फिर उसे बढ़ाकर 1,50,000 कर दिया गया है। ठीक है, तो कंपनसेशन कितना दिया जाता है ये याद रखना होगा कि भाई उसकी सैलरी का 50% मंथली वेज का 50%, ठीक है, या फिर 1,50,000 रुपये या दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है वो उसे दिया जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ डेथ याद रखना है। उसके अलावा बात करते हैं इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, मतलब यदि परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाती है कि हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, वो काम करने लायक ही नहीं है, तो आपको याद रखना है एन अमाउंट ऑफ 60% ऑफ द मंथली वेज ऑफ द इंजर्ड एम्प्लॉय या फिर मल्टीपल बाय द रेलेवेंट फैक्टर। अब यहाँ पर ये आप नहीं समझेंगे कि सिर्फ 60% का मतलब ये नहीं कि उसकी सैलरी 10,000 है तो उसका 60%, नहीं भाई, आपको याद रखना हो कुछ मल्टीप्लाई किया जाता है कुछ टाइम ड्यूरेशन का, उस टाइम ड्यूरेशन से जो अमाउंट बनता है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, उस टाइम ड्यूरेशन को मैं आगे बताऊंगा आपके लिए। ठीक है, या फिर 1,20,000 रुपीज जो भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो याद रखना है डेथ के केस में मंथली वेज का 50% या फिर 1,50,000 रुपये मिलेगा, टोटल डिसेबलमेंट के केस में मंथली वेज का 60% या फिर 1,20,000 रुपये मिलेगा, या दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा। क्लियर, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा इस चीज़ पर विशेष ध्यान आपको देना पड़ेगा। क्लियर, इस चीज़ पर आपको देना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, पार्शियल डिसेबलमेंट में, पीढ़ी मतलब पार्शियल डिसेबलमेंट के केस में 25% जो होगा मंथली वेज का वो देना पड़ेगा एज अ कंपनसेशन। ठीक है, और ये सेक्शन 2 में दिया गया है इस एक्ट के, ये सेक्शन 2 में दिया गया है इस एक्ट के, आपको याद रखना होगा। क्लियर, सिर्फ इतनी सी चीज़ है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, किसी कोई डाउट है यहाँ तक तो मुझे बताइए। चलिए, आई होप चीज़ें सभी बच्चों के यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी, किसी को इसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। राजन, आपका कमेंट बेटा ऊपर चला गया, प्लीज़ एक बार फिर से अपना कमेंट भेजें, अपना क्वेश्चन भेजें, मैं उसको क्लियर ज़रूर करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल रिद्धिमा, हिंदी में मिलेंगे आपको, डोंट वरी, मैं हिंदी में एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ बहुत अच्छे से। पार्शियल डिसेबलमेंट सेक्शन 2 में दिया गया, देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जब तक आप राजन अपना डाउट फिर से पूछेंगे बेटा। देखिए याद रखना है 50%, 60% और 25%। 50% डेथ के केस में या तो 50% मंथली सैलरी का या फिर 1,50,000 रुपये मिलेगा, दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है, या फिर टोटल डिसेबलमेंट के केस में पूरी तरह से यदि अपंगता आ जाती है, मृत्यु की स्थिति में 50% और 1,50,000 रुपये दोनों में से जो भी ज़्यादा है, अपंगता के केस में यदि पूरी तरह से अपंग हो जाता है तो 60% या फिर 1,20,000 रुपये दोनों में से जो भी ज़्यादा है, और यदि पार्शियल डिसेबलमेंट होती है, आंशिक अपंगता होती है, तो 25% जो है आपकी मासिक इनकम का वो दिया जाएगा आपको। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हो गई हैं तो बताएं ज़रा मुझे। फादर के बारे में कोई भी प्रोविज़न बेटा इस एक्ट में नहीं दिया गया है सच, ठीक है, फादर के बारे में कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया गया है राजन। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं इसके लिए आपको बता दूंगा। बिल्कुल, मैं ये दोनों चीज़ें क्लियर करके आपको नेक्स्ट एक्ट में बताता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, चलिए क्लियर है क्या सभी लोग यहाँ पर?
ठीक है, इस एक्ट को मैं बताता हूँ। तो ये चीज़ें दोनों आप सभी को समझ के रखनी है। अब बात करते हैं कंपनसेशन टू बी पेड व्हेन ड्यू एंड पेनल्टी फॉर द डिफॉल्ट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भाई पेनल्टी क्या होगी, किस केस में पेनल्टी की हम बात कर रहे हैं। हम उस केस में पेनल्टी की बात कर रहे हैं जब किसी भी तरह की रेगुलरिटी होती है आपको कंपनसेशन देने में। यदि आपने अपने कर्मचारी को मुआवजा नहीं दिया तो उस स्थिति में आपको कौन कौन सी चीज़ें वहन करनी पड़ सकती हैं। सबसे पहली चीज़ जो कंपनसेशन है वो सेक्शन 4 के तहत दिया जाता है, क्लियर। उसके बाद ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि यदि किसी भी तरह की लापरवाही पाई जाती है विद इन द पीरियड जो टाइम दिया गया उस पीरियड में यदि कंपनसेशन नहीं दिया जाता तो उस स्थिति में क्या होगा, आपको याद रखना होगा जो एम्प्लॉयर है उसको चलिए अब आपको याद रखना होगा जितना भी अमाउंट है 50% ऑफ अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये चीज़ समझिए। पेनल्टी क्या है बस इतना समझ लीजिए कि यदि किसी भी तरह की लापरवाही कंपनसेशन देने में की जाती है तो एम्प्लॉयर को जो भी अमाउंट था कंपनसेशन का उस अमाउंट का 50% और उस पर इंटरेस्ट, जितने दिन लेट किया उतने दिन का इंटरेस्ट के साथ कंपनसेशन देना होगा। बात समझ रहे हैं, इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए क्या था, कंपनसेशन था, आपको 30 दिन में देना था लेकिन आपने 30 दिन में नहीं दिया, केस फाइल होता और पता चल जाती है गलतियाँ पकड़ी जाती, तो उस स्थिति में इस अमाउंट का 50% कितना हो जाएगा, 50,000। तो 1,50,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। 1,00,000 तो ये देना पड़ रहा है, साथ में 50,000 और जुड़ गया, तो 1,50,000 साथ में इंटरेस्ट जो है पेनल्टी के तौर पर देना पड़ेगा। ठीक है, सभी को समझ आ गया क्या, मुझे ये बताइए सभी को समझ आ गई ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से। देवेंद्र जी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर नॉलेज का के PDF पर मिलेगा, और साथ में सभी लोग 199 वाला कोर्स अब जरूर ज्वाइन कर दें, 1 महीने बचे हुए और पूरी PDF को एक बार एक्सेस जरूर कर ले बेटा, ठीक है, ज़रूरी है क्योंकि, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। दूसरा केस क्या है यहाँ पर, वेयर एनी एम्प्लॉयर इज इन डिफॉल्ट। खैर ये इतना सब कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी है कि भाई पेनल्टी क्या क्या आपको मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेजेस को कैलकुलेट करने के लिए मेथड क्या है, तो यहाँ पर मंथली वेज जो है क्लियर, ये कैलकुलेट करी जाएगी आपकी, और इसके बाद रिमेनिंग डेज जितने समय की उसकी मान लीजिए डेथ हो जाती है किसी भी एम्प्लॉय की, तो जितने समय की उसकी सर्विस बची हुई है उसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट बनाया जाता है, उसको मल्टीप्लाई करके जो है आपका अमाउंट बनाया जाता है। खैर ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सभी कुछ करेंट इन्फ्लेशन रेट पर चलता है, उस समय जो महंगाई चल रही होती है उस महंगाई दरों पर जो है कैलकुलेट किया जाएगी मजदूरी आपकी, ठीक है। चलिए नोटिस ऑफ क्लेम, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटिस ऑफ क्लेम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट के। तो ये समझिए कि नो क्लेम फॉर कंपनसेशन शैल बी एंटरटेन बाय द कमिश्नर अनलेस नोटिस ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन गिवन इन द मैनर हियर आफ्टर प्रोवाइडेड एज सून एज प्रैक्टिस आफ्टर द हैपनिंग देयर ऑफ एंड अनलेस द क्लेम इज प्रेफर्ड विद इन 2 ईयर्स ऑफ द अकरेंस ऑफ द एक्सीडेंट। मतलब आपको ये याद रखना होगा, इस पूरी कहानी का मतलब यही है कि यदि किसी भी व्यक्ति की डेथ होती है या कोई एक्सीडेंट होता है जिससे उसको अपंगता आती है और उसके लिए आपको क्लेम चाहिए है, तो उस इंसिडेंट के 2 साल के अंदर आपको क्लेम कर देना होगा। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि एक्सीडेंट मान लीजिए 1 अगस्त 2021 को होता है तो 1 अगस्त 2023 से पहले तक आपको जो है अपनी क्लेम के लिए रिपोर्ट फाइल कर देनी होगी। मतलब इन 2 साल का समय आपको क्लेम फाइल करने के लिए मिलता है, सिर्फ इतनी सी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है,
ठीक है, इतनी सी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। बोलिए, समझ आ गया क्या सभी बच्चों को? बिल्कुल, टेस्ट सीरीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पेनल्टीज़ किस किस सेक्शन के अंदर लगती हैं? तो यदि कुछ कुछ पेनल्टीज़ जो आपको याद रखनी है, मैंने ये सारे क्वेश्चन बेटा आपको 199 वाला जो कोर्स है ना, देखिए 199 वाला जो कोर्स है उसमें मैंने एक्ट वाइज, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज सारे MCQ दिए हैं सब्जेक्ट के, तो उसके एक बार आप लोग जरूर देख लेंगे, ठीक है। और आप लोग देखेंगे कि इस तरह के MCQ वहाँ पर दिए, और आप लोग यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो वैसे क्वेश्चन आए भी इसीलिए, उसी पैटर्न पर वो क्वेश्चन बनाए गए हैं। 199 कोई बड़ा अमाउंट न्यूज़ PDF को एक बार बेटा ज़रूर देख के जाएंगे। इसके अलावा इकोनॉमी के 1500 क्वेश्चन दिए गए हैं, साइंस के 1500 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 फुल लेंथ टेस्ट ऑलरेडी डले हुए हैं, और बाकी के 8 फुल लेंथ टेस्ट आपको इस वीक कल से शुरू हो गए हैं मिलना, तो ये काफ़ी बेनिफिट करने वाले हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो अलग अलग सेक्शन होती हैं, जैसे पहला है कि फेल्स टू मेंटेन अ नोटिस बुक विच ही इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10। तो याद रखना है, पेनल्टी जो दी जाती है नोटिस बुक मेंटेन ना करने पर, वो सब सेक्शन 3 में दी जाती है सेक्शन 10 के, सेक्शन 10 के सब सेक्शन 3 में पेनल्टी है, ठीक है। अगला है, फेल्स टू सेंड टू द कमिश्नर अ स्टेटमेंट विच ही इज रिक्वायर्ड टू सेंड अंडर द सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 10A, और यदि उसे कोई कॉपी भेजनी है क्लेम की और उसने वो कॉपी कमिश्नर तक नहीं भेजी है, तो सेक्शन 10A के सब सेक्शन 1 में अकॉर्डिंग दी जाती है। बेटा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अवॉइड नहीं कर सकते नोट। इसके अलावा फेल्स टू सेंड अ रिपोर्ट विच ही इज रिक्वायर्ड टू सेंड अंडर द सेक्शन 10B, और फेल्स टू मेक द रिटर्न अंडर सेक्शन 16, जिसमें से 1, 2 ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप भूल सकते हैं, लेकिन ये दोनों बेटा सुपर इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है। सेक्शन 10 के सब सेक्शन 3 में बात करेगी नोटबुक मेंटेन ना करने पर पेनल्टी की, और सेक्शन 10A के सब सेक्शन 1 में बात करी गई है कमिश्नर को क्लेम रिपोर्ट ना सेंड करने की पेनल्टी, ठीक है। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार जल्दी समझिए, लाइव चैट के थ्रू लिख के बताइए फटाफट से सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर ये कोर तो खत्म हो गया, बेसिक तो इतना ही था इस एक्ट में, अब हम बात करते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट अमेंडमेंट 2019। अब 2019 में इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है, तो उस अमेंडमेंट को हम पढ़ते हैं। क्या सभी लोग रेडी हैं? पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, इंपॉर्टेंस रखते हैं कुछ कुछ, तो मैंने आपको बता दिया कुछ कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो वो समझ लीजिए। चलिए, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्या सभी लोग रेडी है? मुझे एक बार जल्दी से लाइव चैट के थ्रू बता दीजिए, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बिल्कुल ये भी आपको मिल जाएगा बेटा, परेशान मत होइए, इस मंथ बहुत सारी क्लासेस और बहुत सारा कुछ आपको मिलने वाला है। बिल्कुल साधना, कमेंट आपके विजिबल है। बोलिए बेटा, अभी मेरा पूरा फोकस थोड़ा सा क्लास पर है, इस एक्ट के बाद मैं 5 मिनट के लिए कमेंट लूंगा, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल विजिबल है साथ ना, एक्ट की जैसे हमारा एक्ट खत्म होगा उसके बाद आप अपना डाउट पूछिएगा बेटा, सभी बच्चों के डाउट के मैं आंसर दूंगा, सभी के विजिबल हैं, बट अभी मैं किसी के भी डाउट पर ध्यान नहीं दे रहा। चलिए, सबसे पहला जो काम किया गया इस एक्ट में, पेन कॉपी लेकर बैठ जाए, नोट करेंगे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं फैक्ट्रीज के और माइंस के, इनको ग्रुपिंग कर दी गई है। एम्प्लॉयज़ के और माइंस के ग्रुप की क्या कर दी गई? ग्रुपिंग कर दी गई, मतलब इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉयज़ को अलग ग्रुप में रखा गया, माइंस एम्प्लॉयज़ को अलग ग्रुप में रखा गया, ताकि इनका कंपनसेशन कैटेगराइजेशन आसानी से किया जा सके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया गया
20 एम्प्लॉयज़ का, क्या बोला गया कि जहाँ पर भी 20 एम्प्लॉयज़ हैं इन ग्रुप में से, मतलब इन ग्रुप में जहाँ जहाँ कंपनियाँ हैं और उनमें 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, क्लियर, उन सभी में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कंपलसरी होगा। अब जहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो चाहे वो माइंस हो, वहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कंपलसरी रूप से लगेगा। तीसरी बात क्या करेगी भाई, तीसरी बात जो मैंने आपको बता दी, तीसरी बात क्या करी गई कि डेथ के केस में 150,000 या फिर 50% ऑफ मंथली वेज, 50% ऑफ मंथली वेज, ये याद रखना है, का मल्टीपल या दोनों में से जो भी ज़्यादा हो। परमानेंट डिसेबलमेंट के केस में 100,000, परमानेंट डिसेबलमेंट के केस में 140,000 या फिर 60% ऑफ मंथली वेज, जो भी ज़्यादा हो, जो भी इनमें से क्या हो, ज़्यादा हो, क्लियर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट रखते हैं। क्लियर है क्या चीज़ें? और टेम्परेरी डिसेबलमेंट में मंथली वेजेस के 25% को एज इट इज़ रखा गया है, मंथली वेजेस के 25% को एज इट इज़ रखा गया है, इम्पॉर्टेंट था ये बात। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात जो करी गई वो ये करी गई कि भाई रिवाइज मंथली वेजेस टाइम टू टाइम, मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि कंपनियां जो हैं, फैक्ट्री जो हैं, माइंस जो हैं, वो अपनी मंथली वेज को टाइम टू टाइम बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपसे 50 साल पहले जो आप मंथली वेज देते थे 300 रुपये पर डे, वही आप आज के सिनारियों में भी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए लाइन जो बात करी गई इस एक्ट में बहुत पावरफुल है, क्यों? क्योंकि होता क्या था, आप कंपनसेशन तो दे रहे हैं लेकिन कंपनसेशन आप आज के रेट पर दे रहे हैं या पुराने रेट्स पर दे रहे हैं, ये भी तो समझना होगा, ठीक है। तो जो भी मंथली वेज आप रखेंगे उसके ही आधार पर आप क्या करते हैं, कंपनसेशन को तय करते हैं। तो मंथली वेज को भी टाइम टू टाइम रिवाइज करना ज़रूरी है, मतलब जैसे जैसे महंगाई दर बढ़ रही है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, उसी तरह से आपको अपने मंथली वेजेस को भी बढ़ाते रहना पड़ेगा, ये यहाँ पर बात करी गई है, क्लियर। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करी गई हैं, ज़रा उन्हें समझते हैं। तो अगली बात करी गई है फ्यूनरल एक्सपेंसेस से रिलेटेड, है ना, फ्यूनरल एक्सपेंसेस से रिलेटेड। फ्यूनरल एक्सपेंसेस क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय उसके परिवार को मृत्यु के उपरांत जो भी क्रियाएं की जाती हैं, जिसे हम अंतिम संस्कार बोलते हैं, अंतिम संस्कार करने के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसे 2500 रुपये से बढ़ाकर, 2500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस या अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए जो राशि पहले 2500 दी जाती थी 1923 के एक्ट के हिसाब से, अब 2019 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद वो कितनी दी जाती है, 5000 रुपये दी जाती है, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की गठन का एक इंपॉर्टेंट गठन किया गया है, दैट इज द स्टेट ज्यूडिशियल सर्विस, स्टेट ज्यूडिशियल सर्विसेज, और इसका टाइम पीरियड है 5 ईयर्स, और इसका काम क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 2019 अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, इसके तहत जितने भी केसेस आते हैं उनकी फास्ट ट्रैक तरीके से कार्यवाही की जाएगी। चलिए अब मुझे सभी बच्चे बताइए कि क्या चीज़ें यहाँ तक समझ आ गई हैं, क्या किसी के डाउट हैं? किसी को डाउट है कि यहाँ तक मुझे बताइए, किसी को डाउट है क्या बेटा, मुझे बताइए जरा जल्दी से।
ओके, एक सेकंड मुझे अमाउंट क्लियर कर लेने दीजिए, एक सेकंड रुकिए बेटा। एक सेकंड गाइस, अमाउंट मुझे क्लियर कर लेने दीजिए। चलिए गाइस, एक सेकंड गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है बेटा, एक सेकंड। डेथ के केस में नोट कर लीजिए सभी लोग, करेक्शन है बेटा, डेथ के केस में, डेथ के केस में अमाउंट 1.2 लाख हो गया, 1,20,000 हो गया है, और परमानेंट डिसेबलमेंट के केस में ये 1.4 हो गया है। सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कीजिए, एक मिनट, थोड़ा सा ये करेक्शन कर लीजिए। 19 मैंने करेक्ट बदल दिया गया है, डेथ को जो है 1.20 कर दिया गया है, और परमानेंट डिसेबलमेंट को 1.40 कर दिया गया है। टेम्परेरी डिसेबलमेंट अभी भी वही है, 25% ऑफ मंथली वेज, ठीक है, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे सभी लोग फास्ट, इसे थोड़ा सा सभी लोग करेक्ट कर लेंगे। स्टेट जुडिशियल सर्विस क्या है समझिए, जैसे हम सभी ने देखा था बेटा ट्राइब्यूनल्स बनाए गए थे, वैसे ही यहां पर क्या किया गया है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के केसेस को फास्ट ट्रैक तरीके से सॉल्व करने के लिए यहां पर एक जुडिशियरी काउंसिल बनाई गई है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई है जो इसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और वो एक्ट कौन सा है या वो सर्विस कौन सी, स्टेट जुडिशियरी सर्विस, जिनके लिए एक पर्सन सिलेक्ट किया जाएगा जिसका कार्यकाल 5 साल का होगा, और उसका काम यही होगा कि जितने भी ऐसे केसेस आते हैं उन्हें फास्ट ट्रैक तरीके से रिजॉल्व करेगा। तो यहाँ पर हमारा ये एक्ट खत्म होता है, ठीक है, एक दो मिनट पानी जो भी करना कर लीजिए, उसके बाद हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को पढ़ेंगे, ठीक, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को पढ़ेंगे, जल्दी से 2 मिनट में वापस आइए सभी लोग। जैसे वापस आई है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को हम जो है, एवरीवन किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, उसका तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को भी आज खत्म करें स्पीड के साथ। ओके ऋषभ जी, बताइए आपका डाउट क्या है। यहां पर हायर जो अथॉरिटी होते हैं बेटा, यदि आप स्टेट जुडिशरी सर्विस की बात कर रहे हैं तो उसको सिविल कोर्ट की पावर होती है। याद रखना, जितनी भी ये कमिटीज बनाई जाती हैं, ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं, उनके जो हेड होते हैं उन्हें सिविल जज की पावर दी जाती है, ये आपको याद रखना है। किसकी पावर दी जाती है, सिविल जज की पावर दी जाती है। पहले डेथ के लिए जो बेटा अमाउंट हुआ करता था वो 80,000 हुआ करता था, जिसे अब बढ़ाकर 1,20,000 कर दिया गया है। पहले डिसेबलमेंट के लिए 90,000 हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर 1,40,000 कर दिया गया है, जिसे बढ़ाकर 1,40,000 कर दिया गया है। क्या क्लियर है सभी को, जरा मुझे जल्दी से बताइए। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट स्टार्ट करें, चलिए जो क्वेश्चन कर रहा है उसको मैं देख लेता हूँ बेटा, आप मुझे उनके स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा।
चलिए तो बढ़ते हैं हम आगे और हम पढ़ते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को। अब चलिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को हम पढ़ते हैं, सुनिए मेरी बात। सबसे पहले मैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को अच्छे से। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है ठीक है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम इसके अमेंडमेंट को भी पढ़ेंगे जो कि 2017 में आया था, ठीक है। तो अभी कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर इतना नहीं, तो 61 के एस्पेक्ट में पढ़ेंगे और फिर उसके अमेंडमेंट को पढ़ेंगे ताकि दोनों चीज़ें आप आसानी से समझ पाओ और कर पाओ, ठीक है। तो आराम से समझना है, किसी को हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की हम बात करें तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्यों दिया जाता है, देखिए जब भी एक लेडी होती है, एक विमन होती है, तो जो मैटरनिटी का फेज़ होता है ना, मैटरनिटी के फेज़ में ये जो पूरी की पूरी एक डिवाइन प्रोसेस है मैटरनिटी की, क्लियर, इस फेज़ में महिला को सुरक्षा देने के लिए, ठीक है, उसके मेंटल फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और उसके और होने वाले बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरकार सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत मातृत्व सुरक्षा अधिनियम को लेकर आए थे, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को 1961 में लेकर आए थे। और इसका काम क्या है कि माँ को ड्यूरिंग मैटरनिटी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए जाएं जिससे वो बिना किसी स्ट्रेस के इस पूरे के पूरे समय को जो है आसानी से यहाँ पर काट पाए, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्लियर है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें बच्चे के जन्म के दौरान कुछ समय पहले और कुछ समय बाद महिला को लीव विद पे दी जाती है, आप लोग याद रखेंगे लीव विद पे। बेसिकली मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का होल सोल फंडा तो यही है, लीव विद पे, ठीक है, लीव विद पे जो है वो दी जाती है मैटरनिटी बेनिफिट, बस आपको इतना याद रखना है, क्लियर। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब आया था, 1961 में, पूरे भारत में फैला हुआ है, ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं कि इस कहां कहां मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है एप्लीकेबल है, फैक्ट्री में एप्लीकेबल है, माइंस में एप्लीकेबल है, क्लियर। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं उन सभी में ये चीज़ें जो हैं एप्लीकेबल है, मतलब लगभग हर जगह जहाँ पर महिलाएं होंगी वहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है, हर उस जगह जहाँ पर महिलाएं होंगी वहाँ। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें फैसिलिटी जो प्रोवाइड करी जाती है वो ये प्रोवाइड करी जाती है कि कोई भी नियोक्ता, कोई भी एम्प्लॉयर, ठीक है, अपनी कंपनी में जानबूझकर महिला को जबरदस्ती उसके प्रसव के 6 महीने बाद या 6 महीने पहले, प्रसव या गर्भपात मतलब डिलीवरी या मिसकैरेज के 6 महीने पहले या 6 महीने बाद तक किसी भी तरह से काम नहीं करा सकता, ठीक है। देखिए मैटरनिटी, अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोग समझते जाइए, कुछ चीज़ें पहले आप लोग यहाँ पर समझते जाइए, ज़रूरी आप सभी को समझना, ठीक है, क्लियर कट फॉर्म में। देखिए पहली चीज तो ये है कि सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 इस एक्ट का, सेक्शन 5 में सबसेक्शन 2 इस एक्ट का ये बोलता है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट होंगे वो 12 मंथ के दिए जाएंगे, कितने मंथ के दिए जाएंगे, 12 मंथ के, ठीक है। इसमें प्रेगनेंसी पीरियड होगा, प्रेगनेंसी के 6 मंथ पहले और फिर 6 मंथ बाद तक दिया जाएगा, या फिर मिसकैरेज होता है, क्या होता है, मिसकैरेज होता है तो मिसकैरेज के भी 6 महीने पहले और 6 महीने बाद तक जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट दिए जाएंगे, क्लियर, मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो दिए जाएंगे। पहली चीज तो सेक्शन के अकॉर्डिंग कहा गया, सेक्शन 5 के सबसेक्शन 2 के तहत किया गया है। किस किस केस में मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, डिलीवरी मतलब प्रसव के समय, मिसकैरेज मतलब गर्भपात के समय, और अबॉर्शन मतलब किसी भी तरह से यदि गर्भपात होता है आर्टिफिशियल रूप से, और ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज़ें आपको
यहां पर याद रखनी है। चलिए अब यहां पर ये चीजें करेक्ट हुई पहले, चलिए अब यहां पर फिर बदलेंगी, ठीक है। तो अब बदली हुई चीजें क्या है जरा समझिए। अब यहां पर अब ये तो था प्रोविजन में, लेकिन एक्ट में क्या आया आपके पास, एक्ट में क्या आया समझिए। पहली चीज तो क्या होती है कि यदि पुराने एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्शन 9 क्या बोलता है, ये सेक्शन 5 की बात की, अब सेक्शन 9 जो कि अप्लाई होता है, तो सेक्शन 9 क्या बोलता है इस एक्ट का जरा समझिए। इस एक्ट का सेक्शन 9 बात करता है डिलीवरी के लिए और मिसकैरेज के लिए, किसके लिए, डिलीवरी और मिसकैरेज के लिए बात करता है, अब ये समझिए। और यही प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता है, क्वेश्चन में जो आता है तो यही आंसर करना है, कन्फ्यूज किसी को नहीं होना है, ठीक है। सेक्शन 5 की हमने बात कर ली, अब सेक्शन 9 क्या बोलता है इस एक्ट का जो कि एप्लीकेबल होता है प्रैक्टिकली, ये बोलता है कि मिसकैरेज के लिए 6 वीक, फाइनली जो फाइनल सेटलमेंट है वो क्या है, मिसकैरेज के लिए 6 वीक और डिलीवरी के लिए 20 वीक। ये पुरानी चीज है और अभी भी 1961 के अकॉर्डिंग डिलीवरी के लिए 20 सप्ताह की, 6 हफ्ते की, मिसकैरेज के लिए की जो है मैटरनिटी बेनिफिट या लीव विथ पे दी जाती है, लीव विथ पे दी जाती है। और अबॉर्शन के केस में भी मिसकैरेज जो है वो अबॉर्शन से भी मिसकैरेज होता है, तो मिसकैरेज के केस में भी 6 वीक। तो आपको याद रखना है अबॉर्शन और मिसकैरेज के केस में 6 वीक दी जाती है और डिलीवरी के केस में 20 वीक दी जाती है। ये 1961 के अकॉर्डिंग है, 1961 के अकॉर्डिंग है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इन्हीं वीक का, जितने वीक की आपको लीव दी जाएगी उतने वीक की आपको वेमेंट भी दी जाएगी, तो वही अमाउंट के कैलकुलेशन में आपका आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्या दोनों चीजें सभी को क्लियर है, फाइनली मुझे ये बताइए सभी बच्चे, बेटा ये 12 वीक का कंसेप्ट मैंने अलग बताया, जो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग बात थी उसे आप भूल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम फाइनल बात कर रहे हैं आपकी, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है सभी को। सेक्शन 9 में फाइनल स्टेटमेंट दिया गया है, सेक्शन 9 में फाइनल स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, सेक्शन 9 बात करता है कि सेक्शन 9 ये बोलता है कि ओवरऑल आपको कि 20 वीक जो होगी, टोटल ओवरऑल 20 वीक जो है वो दी जाएगी डिलीवरी के केस में, 6 वीक आपको जो दी जाएगी वो मिसकैरेज और अबॉर्शन के केस में दी जाएगी, ठीक है, मिसकैरेज और अबॉर्शन के केस में दी जाएगी, ठीक है, दिए जा सकते हैं। लेकिन नेचर क्या है फाइनली आप पता चलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सुनने की कोशिश कीजिएगा, मैं सारे सेक्शंस आपको बता रहा हूँ किस सेक्शन में क्या दिया गया है, ठीक है, किस सेक्शन में क्या दिया गया है, जो 12 वीक वाला फंड है वो भी कहाँ दिया गया ये समझिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस एक्ट के सेक्शन 5 में सब क्लॉज 3 क्या दिया, इस एक्ट के सेक्शन सब क्लॉज 5 में 3 कि भाई वुमन को वर्क प्लेस पर अवेलेबिलिटी किस चीज की कराई जाएगी, 12 वीक की कराई जाएगी, किसके केस में, डिलीवरी के केस में, और 6 वीक की कराई जाएगी किस केस में, मैरिज के केस में, सॉरी मिसकैरेज के केस में और अबॉर्शन के केस में। अब लोग बोलेंगे कि सर ये क्या क्या कन्फ्यूज़न आपने बोल दिया, ठीक है। देखिए क्या होता है मैं आपको बताऊं, यदि आप लोग एक्ट को गैजेट से पढ़ेंगे, मैं आपको एक्ट गैजेट से पढ़ाता हूं पूरी तरह से, मैंने जो जितने भी एक्ट बनाए ये गैजेट से बनाए हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं एक्ट के सारे के सारे प्रोविजंस आपको बता दिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा ज़रा समझिए, ठीक है। अब सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया है, हम याद क्या करें, 20 हफ्ते याद करें कि हम क्या याद करें, आपने तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है ना, बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया। तो इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन सुनिए, अब आप लोग प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे,
तो दोनों सेक्शंस पर क्वेश्चन आए हैं आपके, ठीक है, दोनों सेक्शन पर क्वेश्चन आए हैं आपके, ये चीज़ आपको समझनी होगी। देखिए आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा, क्वेश्चन में यदि सेक्शन 9 पूछा जाएगा कि सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग बेनिफिट क्या क्या ग्रांट किए गए हैं एक्ट में, तो आपको याद रखना है कि डिलीवरी के लिए बात करेंगे 20 वीक लीव्स की। आप समझिए 20 वीक लीव्स की बात करेंगे, आप अंतर समझ लीजिए बहुत अच्छे से। मिसकैरेज के लिए या अबॉर्शन के लिए बात करी गई है 6 वीक लीव की। अब ये तो बात हुई लीव की, फिजिकल रिलीफ के लिए अब समझिए सेक्शन 5 का सब क्लॉज 3 बात करता है मैटरनिटी बेनिफिट की। अब मैटरनिटी बेनिफिट में फाइनेंस और वेज बेनिफिट भी आ जाएंगे, तो उसमें क्या होता है डिलीवरी के समय महिला को 12 हफ्ते की पेड लीव दी जाती है, पेड लीव समझिएगा। सेक्शन 9 बात करता है कि महिला को 20 हफ्ते तक की है डिलीवरी के समय, महिला को मिसकैरेज और अबॉर्शन के समय 6 वीक की लीव दी जा सकती है। ये सिर्फ बात हो रही है लीव की, सेक्शन 9 सिर्फ बात कर रहा है आपकी लीव की, छुट्टियों की, और सेक्शन 5(3) बात कर रहा है प्रॉपर मैटरनिटी बेनिफिट की फाइनेंशियल और वेजेस वाइज। तो ये बोलता है कि डिलीवरी के समय महिला को 12 हफ्ते की छुट्टी दी जाएगी, पेड लीव हो मतलब इसका पैसा भी मिलेगा। 20 हफ्ते की सिर्फ लीव थी, पैसे की बात नहीं थी, यहाँ पर 12 हफ्ते की लीव है और उन 12 हफ्ते का पैसा भी मिलेगा। और मिसकैरेज और अबॉर्शन के केस में 6 वीक ही रखा गया है, तो 6 वीक की पेड लीव मिलेगी और ये मैटरनिटी बेनिफिट कहलाएंगे। अब बोलिए समझ आया, आई नो पहले कन्फ्यूजन हो गया था लेकिन आप सभी बच्चों को समझ आ गया। आशीष वर्मा का मैं लाइव क्लास में बेटा आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लिमिटेड टाइम होता है, यदि मैं आप सभी के इतने डाउट होते हैं यदि मैं सिर्फ कमेंट करता रहूँगा तो क्लास तो ले ही नहीं पाऊँगा, ठीक है, क्लास तो ले ही नहीं पाऊँगा। कोई आपका डाउट बड़ा रह गया होगा, मैं आज भाई सारे डाउट आपके क्लियर करता जा रहा हूँ, ठीक है। बच्चों को देखिए, आई नो कि आप लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया गया, सभी जगह रटवा दिया गया है, प्यारे बच्चों की इतना इतना पढ़ लीजिए, पहले मैंने भी आपको यही बोला था, लेकिन मैंने खुद ने स्टडी गैजेट से करी है और इस बार गैजेट से आप सभी के लिए प्रॉपर एक्ट लेकर आया हूं, ठीक है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। चलिए मैं समझ सकता था कि पहले डाउट आ रहे होंगे लेकिन अब मेरे हिसाब से डाउट क्लियर होना चाहिए कि सेक्शन 9 क्या बात करता है भाई, सिर्फ लीव की, कितने हफ्ते की लीव आपको देनी चाहिए, है ना, डिलीवरी के ना आपको 20 हफ्ते की छुट्टी देनी है, मैटरनिटी और मिसकैरेज और अबॉर्शन के समय 6 हफ्ते की छुट्टी देनी चाहिए, यहाँ पर सिर्फ लीव की बात हो रही है। 3 ये बात करता है मैटरनिटी बेनिफिट की। अच्छा एक और चीज नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का कौन सा सेक्शन मैटरनिटी बेनिफिट की बात करता है, तो यही है वो सेक्शन, सेक्शन 5(3) सबसेक्शन 3 इसी में बात करेगी मैटरनिटी बेनिफिट की। यही तो मैटरनिटी बेनिफिट है कि 12 हफ्तों की पेड लीव मिलेगी डिलीवरी के समय और 6 हफ्ते की पेड लीव मिलेगी मिसकैरेज या फिर अबॉर्शन के समय। चलिए मुझे बताइए जरा, सभी को चीजें यहां तक क्लियर हैं, ठीक है। अच्छा अब चेंज भी यहां पर पढ़ लीजिए, यहां के यहीं के ही हम चेंज भी समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए आई होप, चलिए कंपेयर मैं आपको बाद में करा दूंगा, डोंट वरी। ओके चलिए, तो बोल रहा है जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छा इसके कुछ प्रोविजंस जिन पर बात क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी महिला यदि अपने गर्भधारण के समय में है, गर्भधारण मतलब प्रेग्नेंट है, तो उस समय महिला को किसी भी तरह से काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि बाध्य किया जाता है तो ये एक ऑफेंस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक ऑफेंस माना जाएगा, ये आपको याद रखना है।
और कोई महिला अपने प्रसव या गर्भपात के तुरंत 6 सप्ताह के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं करेगी। मतलब ये 1961 के एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, 1961 के एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है कि 12 हफ्ते की छुट्टी मिली है भाई, तो 12 हफ्ते तो प्रेगनेंसी के 6 हफ्ते बाद और 6 हफ्ते पहले तक, मतलब प्रेगनेंसी के 6 हफ्ते पहले और प्रेगनेंसी के 6 हफ्ते बाद तक किसी भी महिला को बाध्य नहीं किया जा सकता काम करने के लिए, ठीक है। चलिए इसके अलावा राइट की हम बात कर ही चुके हैं भाई कि 12 हफ्ते की होती है पेड लीव होती है, इसको हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। चलिए ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अधिकतम अवधि जिसके लिए महिला मातृत्व लाभ के लिए हकदार होगी वह 12 सप्ताहों के लिए होगी, मतलब 12 वीक के लिए होगी, ठीक है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं 1961 के एक्ट के तहत मातृत्व लाभ के लिए हकदार महिला की सामान्य और साधारण दैनिक कटौती नहीं की जाएगी, मतलब किसी भी महिला की डेली वेजेस में किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं किया जा सकता, ठीक है। उस मैटरनिटी फेज में ऐसा किया जाता है तो ये पूरी तरह से ऑफेंस माना जाएगा। और याद रखना है कि यदि कोई नियोक्ता इसी अधिनियम के प्रावधानों के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे कारावास हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी, मतलब यहाँ पर पनिशमेंट की भी बात करी गई है इस एक्ट के तहत, ठीक है। इस एक्ट के तहत पनिशमेंट की भी बात करी गई है, पनिशमेंट क्या क्या दिए जा रहे हैं इस एक्ट के तहत ये ज़रूर हमें देखना है ना। इस एक्ट के तहत पनिशमेंट क्या क्या दिए जा सकते हैं वो ज़रूर हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं कि मातृत्व लाभ और उसके भुगतान के लिए दावे की सूचना, मतलब मान लीजिए किसी भी महिला को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट चाहिए तो उसे किस तरह से प्रोसीड करना होगा। कोई भी महिला है जो किसी भी प्रतिष्ठान में काम कर रही है तो वो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए हकदार है और जो आपका एम्प्लॉय है वो लायबल है देने के लिए, ठीक है। तो इस दौरान महिला जो है इस अधिनियम के फायदे के लिए रिटन नोटिस जो है वो नियोक्ता को दे सकती है, ठीक है। और इस दौरान एक तो उसे मैटरनिटी बेनिफिट मिलेंगे, साथ में किसी और राशि, किसी और अमाउंट जिसके लिए वो एप्लीकेबल है, जिसके लिए वो एलिजिबल है, वो भी उसके संस्थान को, वो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन को, वो भी उसके एम्प्लॉयर को देने पड़ेंगे। मतलब जितने भी तरह के बेनिफिट एक महिला को मिल सकते हैं वो सभी के सभी मैटरनिटी के समय एम्प्लॉयर को देने पड़ेंगे, अपनी वुमन एम्प्लॉय को। सिंपल सी बात ये है। दूसरी चीज, एक महिला जो गर्भवती है इस तरह की सूचना दी जाएगी जिसमें तारीख रहेगी कि वो कब से अनुपस्थित रहेगी और वहाँ से 6 हफ्ता तक कि पहले की तारीख वो नहीं होगी। मतलब यह है सिंपल सी बात कि डिलीवरी की डेट जो होगी, डेट ऑफ डिलीवरी जो होगी उससे एग्जैक्टली 6 हफ्ते पहले से उन्हें लीव मिलेगी जो कि उन्हें पहले इन्फॉर्म करनी पड़ेगी और 6 हफ्ते बाद तक की लीव उन्हें मिलेगी जो उन्हें इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। उसके अलावा मान लीजिए कोई केस है कि कोई महिला गर्भवती हुई और उसके पहले यदि वो नोटिस नहीं कर पाई तो वो अपने प्रसव के बाद ये नोटिस दे सकती है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना देना है। इसके लिए कोई डे निर्धारित नहीं किया गया कि 20 दिन 50 दिन, कुछ नहीं, जितना भी पॉसिबल है जल्दी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसमें किसी भी तरह के नियम नहीं बनाए गए कि हाँ यदि आप नहीं कर पाए किसी भी कारणवश प्रेगनेंसी के पहले तो आप प्रेगनेंसी के बाद भी अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर सकते हैं जितना जल्दी हो सके। और इस स्थिति में जैसे ही नोटिस मिलता है एम्प्लॉयर को, ठीक है, तुरंत एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी की पूरी तरह की फैसिलिटीज जो है उस महिला को उपलब्ध कराएगा बिना किसी डिले के, ठीक है। बस ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि यदि प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती तो उस स्थिति में मातृत्व या मैटरनिटी बेनिफिट का भुगतान किस तरह से किया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन आता ज़रूर है। मान लीजिए ये पूरी कहानी ये लिखी है कि कोई भी महिला वो प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है ना, किसी भी महिला की मृत्यु यदि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है, तो उस केस होगा। यहाँ पर ये चीज़ समझेंगे कि नियोक्ता ऐसे लाभों का भुगतान करेगा और ये धारा 6 सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग किया जाएगा
और ये किसे दिया जाएगा? इसमें महिला ने जिसको नॉमिनेट किया होगा उस व्यक्ति को वो राशि मिल जाएगी। ठीक है, बस आपको याद रखना है दो चीज़ें इसमें। मान लीजिए यदि डिलीवरी के या मिसकैरेज या एडॉप्शन अबॉर्शन की वजह से महिला की मृत्यु हो जाती है, डेथ होती है, तो धारा 6 के तहत कंसेशन उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिस व्यक्ति को नॉमिनेट किया होगा उस महिला ने। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जरा मुझे जल्दी से बताइए बेटा, बारिश की वजह से बफरिंग हो रही, इसलिए जल्दी से इस एक्ट को समझ लीजिए सभी लोग। बस बताइए जरा क्या चीज़ यहाँ तक क्लियर है सभी प्यारे बच्चों को? चलिए वेरी गुड। अब मेडिकल बोनस का भुगतान, देखिए पहली चीज तो ये करिए कि जितनी भी मेडिकल फैसिलिटी है वो निःशुल्क होनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उस महिला को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इन केस यदि आप महिला को निःशुल्क या फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल एड प्रोवाइड नहीं कराए रहे हैं तो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट का पेमेंट जो है आपको महिला को करना पड़ेगा, बस इतना याद रखना है। तो जो मेडिकल बोनस होगा, चिकित्सकीय बोनस होगा, वो क्या होगा समझ लीजिए कि पहली बात तो ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एम्प्लॉयर की ये लायबिलिटी बनेगी कि वो महिला को उस पूरी प्रोसेस में जितना भी पैसा लगता है, जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं, वो निःशुल्क कराएगी। इनकेस यदि वो पहले पैसा नहीं दे पा रही है, निःशुल्क नहीं करा पा रही है, तो जितना भी पैसा उसका लगा हुआ है उसके इक्विवेलेंट पैसा उसे देना पड़ेगा, ये चिकित्सकीय बोनस कहलाएगा। इसको बहुत सिंपल वर्ड में मैं समझा दे रहा हूँ कि ड्यूरिंग डिलीवरी जो भी एक्सपेंसेस आएंगे उनका वहन कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा, या तो उसे निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधाएं मुहैया कराएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। यदि फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा पाता है तो उस केस में वो इक्विवेलेंट अमाउंट जो है महिला को पे करेगा, उसको देगा। दैट विल बी नोन एज मेडिकल बोनस। क्लियर है? तो मेडिकल बोनस क्लियर है ना, इतनी रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेडिकल बोनस बेसिक सी चीज़ है। दैट्स ग्रेट एवरीवन। चलिए, और गर्भपात के लिए छुट्टी हम सब पढ़ ही चुके हैं, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है नहीं। ये चीज़ मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ, मिसकैरेज ये सभी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। नर्सिंग ब्रेक, अब नर्सिंग ब्रेक क्या होता है ज़रा ये समझ। ठीक है, नर्सिंग ब्रेक क्या होता है कि मान लीजिए किसी महिला जो 6 हफ्ते बाद आ गई, 6 वीक बाद वो जॉब पर आ गई, तो 6 वीक के बाद जॉब पर आने के बाद उसे अपने बच्चे को ब्रेथ फीडिंग करानी है, ठीक है, उसकी देखभाल करनी है, तो उसके लिए नर्सिंग ब्रेक भी उसे मिलता रहेगा। ठीक है, और ये तब तक मिलेगा जब तक बच्चा 15 महीने की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा नर्सिंग ब्रेक क्या मिलेगा, नर्सिंग ब्रेक के लिए याद रखना है। नर्सिंग ब्रेक का कंसेप्ट क्लियर है ना? 6 वीक बाद मान ली डिलीवरी हुई और 6 वीक बाद महिला वर्क पर आ गई, अपने काम पर आ गई, लेकिन अभी बच्चा सिर्फ 6 महीने का है, बहुत छोटा है, माँ के बिना नहीं रह पाएगा, तो उसके बाद की स्थितियों का भी ध्यान रखना है। तो क्या किया जाएगा, नर्सिंग ब्रेक की बात करेंगे। नर्सिंग ब्रेक एक ऐसा अंतराल होगा जिसमें महिला को एक रेगुलर टाइम इंटरवल बाद छुट्टी दी जाएगी जिससे वो अपने बच्चे का ध्यान रख सके। ठीक है, और ये नर्सिंग ब्रेक उसको कब तक मिलता रहेगा? जब तक कि उसका बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता। नोट करिए इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 6 हफ्ते बाद महिला जब लौटेगी तो उससे नर्सिंग ब्रेक के लिए भी लायबिलिटी बनेगी। ठीक है, क्योंकि अभी बच्चा छोटा, और नर्सिंग ब्रेक उसे कब तक मिलता है? जब तक कि उसका बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता, मतलब 6 महीने का, अगले 9 महीने के लिए और मिलेगी। ठीक है, इसमें एक नियमित फिक्स्ड अंतराल बाद उसे यह ब्रेक मिलता है। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इंस्पेक्टर का काम क्या होगा? इंस्पेक्टर को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी? स्टेट गवर्नमेंट जो है मैटरनिटी बेनिफिट के केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। ये गवर्नमेंट गैजेट पर एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जिसका काम ये होता है कि हर एक संस्थान में महिलाओं को मिलने वाले मैटरनिटी बेनिफिट का जो फ़ायदा है उन्हें सही तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये देखने का काम उनके निरीक्षकों का होता है। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है? चलो वेरी गुड। यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या, मुझे ये बताओ जल्दी से।
चलिए, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को, मुझे बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी को मिलता है, प्राइवेट गवर्नमेंट सभी को जो है वो मिलता है। मुझे ये बताइए क्या सभी बच्चों को समझ आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि बहुत सिंपल तरीके से आप सभी तक पहुँचा दो चीज़ें, क्या जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी तक बहुत आसानी से पहुँच रही है। अडॉप्टेड चाइल्ड के केस में जितेंद्र कुमार अलग पॉलिसीज हैं बेटा, उसके लिए 6 वीक की ही लीव जो है उपलब्ध कराई जाती है और उसके बाद कोई भी पेड लीव नहीं दी जाती है अडॉप्टेड चाइल्ड के केस में। चलिए अब यहां पर बेटा हम बात करने वाले हैं आखिरी चीज की, दैट इज, जरा इसको मैं जूम कर लेता हूं, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017, 2017 में इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था बेटा, 2017 में इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था। और 2017 में क्या अमेंडमेंट हुआ ज़रा समझिए। तो पहला अमेंडमेंट तो ये समझ लीजिए कि ये हुआ था सब सेक्शन 3 में, सब सेक्शन 3 में किसके, सेक्शन 5 की। हम सभी को पता है सेक्शन 5 का सेक्शन 3 बात करता था मैटरनिटी बेनिफिट की, तो उसमें सुधार हुआ। देखिए पहले क्या था, पहले 12 हफ्तों की छुट्टी मिलती थी, जिनमें 12 हफ्तों की छुट्टी मिलती थी, अब ये कितने की हो गई है भैया, 26 वीक की हो गई है। पहली चीज तो ये याद रखनी है, ठीक है। अब जो मैटरनिटी बेनिफिट लीव मिलती है वो 26 हफ्तों की मिलती है, ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सभी को समझ आ गई क्या बच्चों, ये चीज़ मुझे बताइए। चलिए पहली चीज़ बेटा, भागेगा कोई भी नहीं, 3 से 4 मिनट लगेंगे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, 2017 के अमेंडमेंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सेक्शन 5 का सब सेक्शन 3 में सुधार किया गया, 26 हफ्तों की फैसिलिटी दी गई। अब कैसे समझना है ये समझिए, प्रेगनेंसी के पहले 8 वीक और बाकी जो बचा आपका 18 वीक वो प्रेगनेंसी के बाद। अब इस वजह से नर्सिंग ब्रेक को जो है वो ख़त्म कर दिया गया, समझिए। नर्सिंग ब्रेक क्या होता था, 6 हफ्ते बाद जब महिला आती थी तो उसको नर्सिंग ब्रेक देना पड़ता था जब तक 15 महीने का बच्चा ना हो जाए। लेकिन अब चूंकि प्रेगनेंसी के बाद 18 हफ्ते की छुट्टी और मिल रही है, तो नर्सिंग ब्रेक के कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया गया, एक चीज़, ठीक है, एक चीज़ है, समझ आ गया। किसी को डाउट तो नहीं है, अच्छा। अब दूसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझिए, ये किसके लिए, अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए। ये स्टूडेंट जितेंद्र, आपने डाउट भी पूछा था, तो 19 के अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं था प्रोविजन, अब 27 में क्या किया गया ये समझिए। अडॉप्टेड चाइल्ड, अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए पॉलिसी क्या करेगी कि अब 12 वीक का मैटरनिटी बेनिफिट दिया गया है, जो पहले 6 वीक होता था 12 वीक कर दिया गया है, समझ आ गया, ठीक है। जरा अच्छे से समझ लेंगे इस चीज़ को बेटा, जरा अच्छे से समझ लेंगे इस चीज़ को सभी लोग। सेक्शन 5 में अमेंडमेंट किया गया, जिसके सब सेक्शन 3 के तहत जो 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी अब उसे 26 हफ्तों का कर दिया गया। प्रेगनेंसी से पहले 8 हफ्ते, प्रेगनेंसी के बाद 18 हफ्ते, नर्सिंग ब्रेक के कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया गया। अडॉप्टेड चाइल्ड के केस में क्या किया गया, जो पहले 6 हफ्ते की मैटरनिटी बेनिफिट मिलता था अब वो 12 हफ्ते का मैटरनिटी बेनिफिट कर दिया गया, समझ आया किसी को, बताओ ज़रा मुझे। बताइए ज़रा, ठीक है। एक और सुधार किया गया है,
एक और सुधार किया गया है। एक और सुधार ये किया गया है कि जहाँ पर वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी अवेलेबल है, यदि महिला चाहे तो वर्क फ्रॉम होम कर सकती है, यदि वो अपनी कंसेंट दे, अपनी सहमति दे। बस इतना याद रखना, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट बात करता है क्रीच फैसिलिटी के बारे में, क्रीच के बारे में। तो जहाँ पर 50 प्लस एम्प्लॉय हैं वहाँ पर क्रीच फैसिलिटी को इम्पोर्टेंट मस्ट कर दिया गया है, क्रीच फैसिलिटी को मस्ट कर दिया गया है। क्लियर, क्रीच फैसिलिटी को मस्ट कर दिया गया है। तो ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको समझनी ज़रूरी थी। यदि मैं बात करूँ इस एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2019 के माध्यम से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था समझना आपको। पहली चीज़ तो ये समझना ज़रूरी था कि 2017 में क्या क्या चेंजेस हुए। तो तीन मेजर चेंज हुए हैं, तीनों को समझना ज़रूरी है। पहला है भाई 26 हफ्ते की मैटरनिटी बेनिफिट कर दी गई, 8 हफ्ते पहले 18 हफ्ते बाद, अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए 12 वीक, और क्रीच फैसिलिटी हर उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ 50 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं। चीज़ें यहाँ तक सही बच्चों को क्लियर हो गई हैं मेरे हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है, बाकी के लॉज हम कल करेंगे। और सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, कोई भी मिस नहीं करेगा, कल सुबह 10 बजे आपकी मैराथन क्लास होगी इकोनॉमी की, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, 5 सितंबर के लिए आग लगा देना सभी को। आज 11 बजे क्लास नहीं होगी बेटा क्विज वाली क्योंकि मुझे आप सभी के लिए जो है वो प्रिपेयर करना है आपका कल की क्लास को, तो आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। सो थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, पढ़ते रहिए।